का वो इलाका है जिसने सबसे ज़्यादा मुझे समर्थन दिया, चाहे मैं उगार रैलियाँ कर रहा था या कोई और आंदोलन कर रहा था। और ये वो इलाका है जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। यहाँ के इलाके के लोग निडर हैं, वो बॉर्डर पे हौसले के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पीने के पानी की भी समस्या रही और अब भगवान की कृपा हो गई कि इस इलाके में तेल निकला। लेकिन सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया और रिफाइनरी को लेकर धोखाधड़ी करी। इस इलाके के साथ मेरा हाथ में जुड़ाव है और इस इलाके में 5 सीट में कम से कम जीतूंगा 7 में से बाड़मेर जिले की। और अगर मुझे कई लोग धोखा देके नहीं भागते राजस्थान के अंदर, तो मैं 100 सीट अकेला जीतता राजस्थान के अंदर। सड़की घोषणा पत्र 0 है, ये झूठे वादे हैं। नहीं तो 50 लाख नौकरी लगा सकते और न ये बेरोजगारी भत्ता दे सकते। वो तो मैंने मांग उठाई थी, इसलिए इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी। अगर मैं डिमांड नहीं करता तो ये कभी बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं करते। ये मेरी उपकार के अंदर जो 10,000 के बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, उसके बाद ये लेके ही बात क्या है। सर, किसको समर्थन देंगे सरकार की अगर जरूरत पड़ी तो? हम दोनों पार्टियों को समर्थन नहीं देंगे, हम वापस चुनाव कराएंगे राजस्थान का। सर, दूसरा नंबर, आप जा रहे हैं, कैसा माहौल है? और मतलब बीजेपी और कांग्रेस का स्टार बता रखे और यहाँ पर आप अकेले? बहुत ज़बरदस्त माहौल है, ये तो शुरुआत है। पार्लियामेंट में 10 सीट जीतेंगे कम से कम चुनाव। सर, दूसरा नंबर, आपने जो मिशन शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा है? वो अपने अंजाम तक पहुँच रहा है। नई पार्टी भी बन गई, 57 उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, 40 जगह जीत रहे हैं। जहाँ कमजोर रह गए, जहाँ कई कमियाँ रही, उनको दूर करेंगे। अब नए स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करके इस झंडे को गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुँचाएंगे रालोपा। सर, लोकसभा चुनाव है, उसके बारे में क्या कहना है? हमारी पार्टी 25 सीटों में लड़ेगी लोकसभा का।